व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय। और आज आज क्या हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है और सबसे अच्छी बात एसी काम नहीं कर रहा, कूल बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? टेंशन मत लीजिए, मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज पूरे दिन मैं सर्विस सेंटर पे कॉल करता रहा सर्विस के लिए, क्योंकि ये पहला साल है जब मुझे अपने एसी को सर्विस दिलवाना था। और प्लस इधर उधर से मैं बुलाना नहीं चाहता था किसी को, क्योंकि आप जानते हैं जो सिचुएशन चल रही है। तो अब क्या करें, फंस गया मैं। तो मैं सोचा कि चलो खुद से सर्विस करते हैं एसी को और फिर देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो चलिए मैं सर्विस करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप घर पे खुद से सर्विस कर सकते हैं। ऑल दोज हमें इस टाइम पे सेफ भी रहना है, क्योंकि आप जो माहौल देख रहे हैं वो तो आपको सब पता ही है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार खुद से सर्विस करना सीख जाएं एसी को, तो आपको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपको एक बार आदत लग गई तो। तो चलिए चलते हैं। और मैं इस गेटअप पे हूँ तो कोई टेंशन भी नहीं है, धूल मिट्टी जो भी उड़ेगी कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एसी लगा है और ये वर्लपूल का है, आपका कोई भी कंपनी का होगा कोई दिक्कत नहीं है, सब एसी को आप इस तरीके से सर्विस दे पाएंगे। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। एल्युमिनियम स्टेयर भी है पर मैं इसी से काम चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना आसान है इसे ओपन करना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ से इसे ओपन करना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये ओपन हो चुका है और ये देखो कितना धूल अंदर जमा हुआ है। तो ये सारा धूल जो है हमें साफ करना है ताकि हमारा एसी जो है फिर से ठंडा ठंडा कूल कूल हो सके और ठंडी ठंडी हवा दे सके। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास स्प्लिट एसी नहीं है तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि इन फ्यूचर ना हो आपको भी इसकी ज़रूरत पड़े। और एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसी सर्विस के लिए। सामने की तरफ जो फिल्टर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे इसको निकालना कितना आसान है, सिर्फ आपको इसे इस तरह से निकाल लेना है। और इस पर काफ़ी धूल जमी है और इसलिए मैं कैमरा थोड़ा दूर कर देता हूं। और प्लस इसको निकाल के साफ़ अगर आप 2-3 महीने में करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एसी बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस देता रहेगा। और अंदर से जो एसी है वो बिल्कुल साफ़ है तो हमें उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका एसी अंदर से भी गंदा है तो आप ये देख रहे हैं पेच वगैरह, इन्हें खोलकर और तो पूरी बॉडी को है आप निकाल पाएंगे। और इस स्लाइडर को भी आपने निकालना होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस इसको लेफ्ट साइड खिसकाना है आपको और ये इजीली निकल जाएगा। और ये क्लैंप को आपको इस तरह से कर देना है ताकि ये इजीली निकल सके, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी इसको निकालने में। थोड़ा सा ऊपर से भी आपको इसे निकालना होता है पर आप बहुत इजीली इसे निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पेच जो है सारे खोल देने हैं। और इसी तरह से मैं दूसरा फिल्टर भी निकाल लेता हूँ, बाल भी बहुत बढ़ गए हैं उसे भी कटवाना है। तो ये मैंने निकाल दिया दूसरा फिल्टर भी और आप देखेंगे कितना जो है डस्ट यहाँ पे अटका हुआ है नीचे की तरफ। तो हमें इसे भी जो है ब्रश से साफ़ करना है और उसके साथ फिल्टर को भी साफ़ करना है। तो ये डस्ट को पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ जो ये जाले वगैरह लगे हुए हैं। और अंदर की तरफ बिल्कुल भी गंदा नहीं है तो वहाँ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर की तरफ गंदा है तो आप बस ये करिएगा कि एक ब्रश जो ख़राब ब्रश है या कोई भी ब्रश आपके पास पड़ा है उसका यूज़ करके और आप कॉलिन वगैरह या शैम्पू वगैरह पानी डाल के आप अच्छे से इसे साफ़ कर लीजिए। आपको याद रखना है कि एसी जो है आपका ऑफ रहे उस समय। अगर ये पार्ट जो है आप इसे खोल नहीं पा रहे हैं, पूरा पार्ट है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एसी कोई भी पार्ट जो है आपको काफ़ी दम लगा के खोलने की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्टर को देखा, बहुत ईजी निकल गया, उसमें मेरे को कोई भी खींचातानी नहीं करनी पड़ी, और इन दैट केस आप इस पूरी बॉडी को खोल नहीं पा रहे हैं या खोलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी इसे साफ कर सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो एक आपको ब्रश, टूथ ब्रश ले लेना है, उससे इजिली साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ईजिली ब्रश जाएगा वो टूथ ब्रश जाएगा, या पेंट ब्रश भी है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दोनों फिल्टर हमने निकाल लिए हैं उसको लेकर चलते हैं बाहर, और बाहर इसे क्लीन करते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदगी इसमें निकलने वाली है और मैं नहीं चाहता कि अंदर जो है फ्लोर वगैरह ख़राब हो और गंदगी यहाँ पे फैले, कि कुछ अच्छा करने की जगह ये ना हो कि गंदगी फैल जाए, कुछ बुरा हो जाए। तो इसके बाद मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये ब्रश इसे क्लीन करने के लिए। आप किसी भी तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ये वॉश बेसिन ब्रश है वैसे तो, जिसका यूज़ नहीं होता है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा, और साथ ही में आप इसे पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रश से इसे साफ़ करें अच्छे से, क्योंकि अगर आप पानी से साफ़ करते हैं तो कोई दिक्कत तो वहाँ नहीं होगी। फिर आपको उसे सूखने के लिए टाइम देना पड़ेगा ताकि आप एसी को दोबारा ऑन कर सकें। याद रखें, अगर आप पानी से साफ़ कर रहे हैं तो आप कम से कम आधे घंटे बाद ही एसी को फिर यूज़ करें, और अंदर का जो कंडेंसर है उसको भी। तो अभी ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा, पर इसको मैं जैसे ही पलटता हूँ तो आप देखो कितनी गंदगी यहाँ पे भरी हुई है। तो जल्दी जल्दी इसे साफ़ कर लेते हैं। तो एक जो फ़िल्टर है वो क्लीन एंड क्लियर हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ दूसरे फ़िल्टर और इस फ़िल्टर के बीच में। तो उससे पहले ही आप देखिए कितनी धूल जो है इस फ़िल्टर से निकली, जो क्लीन हुआ है, और साथ में जो गंदा है अभी भी वो आप ये देख सकते हैं कितना गंदा है अभी भी, और ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया। तो एट लास्ट दोनों ही साफ़ हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं, और आप देखिए कितनी गंदगी निकली है इसमें से। तो कैसे ये कूल करता, तो चलिए अब इसे फिट करते हैं एसी में और देखते हैं क्या कूल कर पाएगी एसी फिर से। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नीचे लाल बटन आपको दिख रहा है उस पर इस कलर का क्लिक करके मुझसे जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब, तो इसे फिट करते हैं, और फिट करने का जो प्रोसेस है सेम है, आपको वहीं का वहीं वैसे के वैसा इसे लगा देना है, और कोई भी ऐसा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि शायद लेफ़्ट वाला लेफ्ट में लगे और राइट वाला राइट में लगे, इस तरह से बस जो खांचे हैं आप देख रहे हैं ये उसी में जाने चाहिए दोनों साइड से, और उसके बाद ये ईज़िली लग जाएगा। और ये फिट हो चुका अच्छे से, तो आप देख रहे हैं, और अब इस साइड के भी फिल्टर को फिट कर देते हैं। वैसे ये काफ़ी ईज़िली इसमें फिट हो जाते हैं, अगर आपसे दिक्कत हो रही है फिट करने में तो आप एक बार एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि इस साइड का इस साइड लगा सकते हैं और इस साइड का इस साइड लगा के ट्राई कर सकते हैं, ईज़िली ये लग जाएगा। और अब ये लग चुका है तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो इस तरह से क्लिप करके आवाज़ आएगी, आप समझ लीजिए ये इजीली फिट हो गया है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे ब्रश से साफ किया था, और एट अ टाइम हम इसे स्टार्ट करके देख सकते हैं कि ये कूलिंग कर रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं एसी ऑन हो गया, और इसका जो फैन है वो अच्छी खासी हवा अब मुझे देने लगा है, पहले के मुकाबले मुझे ऐसी पता चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि फ़ैन अभी मैंने फुल पे कर रखा है, तो इसी तरह से आप फुल पे करके थोड़ी देर छोड़ दें और फिर अपने एसी को ऑन करें। और अब मैं इसका टेम्परेचर जो है कम करूँगा ताकि ये थोड़ा अच्छा कूल कर पाए। ये काफ़ी अच्छा कूल कर रहा है, थोड़ी देर में आई होप रूम को कूल कर देगा, आपको मैं महसूस तो नहीं करा सकता पर फ़ैन की आवाज़ सुना सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी फ़ैन की आवाज़ उस टाइम पे नहीं आ रही थी। अगर हम एसी के सामने खड़े हो रहे थे तो भी हमें फ़ैन की जो एयर है वो नहीं लग पा रही थी, पर अब आप देखेंगे जो माइक पे एयर है वो अच्छे से लग रही होगी और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी आई होप। तो इसी तरीके से आप अपने आउटर को भी साफ़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर अटैच है वो कहीं पे तो आप पीछे से इसे इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना गैप रहता है। और अगर आप पानी से इसे साफ़ करना चाहें तो एक प्रेशर पाइप लेकर
आप इससे अच्छे से साफ कर पाएंगे। तो एसी अपना बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस हो चुका है, पर यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है। आइए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको बताऊँ कि ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये टेबल आप अपने सामने जो देख रहे हैं, इसके ऊपर गिलास लगा हुआ है, ये आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। और उसके ऊपर ये डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पर असल में ये डिज़ाइन नहीं है। मैं आपको इसका पोल खोल के बताता हूँ पहले, तो कि कुछ दिन पहले जो है गिलास मेरे से टूट गया था, और पूरा टूट गया था, तो मुझे इसे रिप्लेस कराना पड़ा, चेंज कराना पड़ा, और उसके बाद ये क्रैक हो गया। जैसे ही मैंने इसे रिप्लेस कराया कुछ दिन बाद ही किसी और से, तो मैंने इसका जुगाड़ निकाला, यानी कि इंडियन जुगाड़ किया, ये टेप चिपकाया है और टेप पे इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं से क्रैक है या ऐसा कोई भी दिक्कत है। तो इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसा कोई टेबल है जिसमें हल्का सा ग्लास पे क्रैक आया हुआ है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसी लाल बटन में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, ताकि आप इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे से जुड़े रहें। तो इसी विचार के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि अपने को आप सेफ रखिए, अपनों को सेफ रखिए, और मेरी वीडियो देखते रहिए। सी यू अगेन, चलता हूँ मैं ठंडी ठंडी हवा खाने हैं।